मामा आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हैं? हाँ मीटिंग थी। मामा मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, आप मुझे आज पेमेंट दे रही हैं या नहीं? नहीं। बट व्हाई नॉट? बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू आई डोंट हैव द मनी। मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें नहीं दे सकती। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। बिजनेस प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में जो भी मेरा हिस्सा बनता है उसको लिक्विडेट करना है और मुझे मेरा हिस्सा देना जितनी जल्दी हो सके। I need it urgently. Okay. प्लीज पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। प्लीज तो कुछ जिद मत करो। सर, प्लीज लीव मी अलोन। तुम्हें क्या फिक्र है मेरी? स्टॉप प्रिटेंडिंग ना चुके हैं। तुम पाकिस्तान जा रहे थे ना? जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम। अच्छा, प्लीज मेरी खातिर पी लो। छोड़ दो मुझे प्लीज, ऐसे परेशान नहीं करो। मुझे अब तक यकीन नहीं आया, आज तो तुमने हाथ भी उठा दिया मुझ पर। हाउ कुड यू? परेशान हो गया था, सॉरी। एग्जैक्टली, ऐसे मुझे तुम्हारी इन्हीं टेंशन्स और इन्हीं परेशानियों से डर लगता है। एक दिन इसकी वजह से वी गोना लूज आवर बेबी, मार्क माय वर्ड्स। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। यू नो व्हाट, I don't care about myself. I don't care what you do to me, but I do care about this baby. और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से I don't want to lose him. I don't want to lose him. तुम जाओ वापस. Just go where you belong. तुम जाओ अपनी ज़ारा के पास. नहीं 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 जा रहा मैं, नहीं जा रहा. नहीं जा रहा मैं कहीं. तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? नहीं जाऊँगा. Grind this out, Wana. I swear. बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास इधर ही हूँ बस। Now be careful next time. नीता बीबी ने तो हद ही कर दी, आपके और अशर साहब के बारे में इतनी बुरी बातें की। अच्छा किया अशर साहब ने भी डांट दिया, बोलती बंद कर दी, वरना। बस करो शमीम, खत्म करो इस बात को। एक बात कहूँ छोटी बीबी, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और वैसे भी साय के पीछे भागने का क्या फायदा? आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, ये खुदगर्ज लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। और बीबी जी, जब अपने सर का ताज ही अपना ना रहा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगानी? आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को पहचानें, आपका अपना कौन है और पराया कौन। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना, खत्म करो इस बात को, जाओ जाके किचन देखो। असद वो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो यार, इस घर में कोई भी ज़ारा की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा।
एटलीस्ट तुमसे तो एक्सपेक्टेड है ना कि तुम तो उसकी हालत को समझो। सब समझता हूँ यार, क्या करूं, मजबूर हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं उससे। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। रो रो के मुझे बुला रही थी, मिन्नतें कर रही थी। तो फिर आ जाना यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यार, अभी नहीं आ सकता। देख असद, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका हल ना हो। तू बस आ जा यार, प्लीज। कोशिश की थी यार मैंने, आ भी रहा था, लेकिन इसी बात पर रबे से झगड़ा हो गया और हाथ उठा दिया उस पर। तो जानते हो वो प्रेग्नेंट है, बुरी हालत हो गई थी उसकी, और इस वक्त वो यहाँ पे अकेली रह नहीं सकती। सॉरी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं रखता हूँ फोन। बाय। अजीब बंदा है यार, रबी अकेली नहीं रह सकती, जारा की किसी को फिक्र नहीं, खुद गर्ज है सबके साथ।